अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। जो लोग आईफोन के शौकीन हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करते हैं और आईफोन ही इस्तेमाल करते रहेंगे, ये उनके लिए खुशी की बात है और उनके लिए खुशखबरी है। आईफोन जो है, एप्पल कंपनी एक नया फ़ोन मुतारफ करवाया है और लॉन्च करने जा रही है, वो बहुत ही कमाल का है। उसका बाकी जो फीचर तो होंगे कमाल के, लेकिन सबसे अच्छा फीचर मुझे जो पसंद आया है इसका, वो डिज़ाइन इसका बहुत पसंद आया मुझे। आप लोगों ने ये यूज़ किया होगा आईफोन 11 प्रो। जब इसकी मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, ये आप देख रहे हैं, इस पर बैक पे देखेंगे इसको, ये आपको बैक नज़र आ रहा होगा। इस तीन कैमरे हैं और फ्लैश लाइट है, और उसमें देखें तो उसमें आपको क्या चेंजिंग नज़र आएंगी। मैं अभी एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने बनाई हुई थी पहले से। इसको VLC प्ले करते हैं अभी। इसका नाम है आईफोन फ्लिपकार्ट 12। ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप, ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। ये मज़े की बात यह है, ये डबल स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसकी बैक पे स्क्रीन है। जी हाँ, और ये कैमरे और फ्लैश लाइट, ये अभी ये देखें। आप सोच रहे होंगे कि इसकी बैटरी जो है किधर है। जी हाँ, बड़े कमाल का फीचर नहीं बनाया इन्होंने, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन जो है इन्होंने तर्फ हुआ है। ये देखें, ये स्क्रीन है, इधर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पे रहते हुए। अगर आप जो है फुल स्क्रीन को यूज़ नहीं करना चाहते तो कहते हैं कि छोटी स्क्रीन को यूज़ करें। बस दफ़ा कॉल आ जाएगी, आपने ओपन करना है और ओपन करके फ़ोन खोल दो वो, तो ओपन करके उसको फिर जो है रिसीव करनी कॉल। इधर जो है ये स्क्रीन बैक स्क्रीन है, इस पर आपको वाजह नज़र आ जाएगी कॉल किसकी आ रही है, मैसेज आया है, क्या हुआ है, तो आप आसानी के साथ जो कह लें इसे रिसीव कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ये देखें। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए आईफोन से रिलेटेड, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और आप लोगों को स्किल सीखनी है तो वो भी बताएँ, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी वेबसाइट है, किधर से आपने स्किल सीखनी है, अभी वो किस तरह की स्किल